हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ अपनी लाइफ के बारे में। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सभी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, मेरी एजुकेशन के बारे में और मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन जो मेरी यूट्यूब फैमिली, जिनसे मैं अभी अभी जुड़ी हूँ, वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती है। तो आज मैंने सोचा, चलिए आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं अपनी लाइफ के वो कुछ पल, कुछ बातें जो मैंने अपने लाइफ में, मतलब अभी तक मैंने एजुकेशन वगैरह की है क्या है, वो सब आप लोगों को बताना चाह रही थी। तो फ्रेंड्स, यूँ तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट होता है जिससे वो कुछ सीखते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं, उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरी जो भी स्टोरी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। भगवान ना चाहे, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं वो प्रॉब्लम्स कोई और भी फेस करे। आज मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर, जितने स्कूल और कॉलेजेस मैंने चेंज किए हैं उतना शायद ही किसी ने किए हों। जितनी क्लासेस नहीं हैं उससे ज़्यादा मैंने स्कूल चेंजेस किए हैं अभी तक। मतलब शादी से पहले भी एजुकेशन जो की थी मैंने, और शादी के बाद जो एजुकेशन की थी मैं, आफ्टर मैरिज और आफ्टर मैरिज से पहले भी जो मैंने एजुकेशन की थी, उसमें मैंने बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस चेंज किए हैं। जितने मैंने स्कूल कॉलेज चेंज किए हैं ना, उतने शायद ही किसी ने किए हों। और उन सब के पीछे रीजन रहा है कुछ ना कुछ, वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी लाइफ के वो पार्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करने स्टार्ट करती हूँ। जब मैं नर्सरी क्लास में थी, मैं एक किसान की बेटी हूँ। मेरे पापा एक किसान हैं, फार्मर, और हम चार भाई बहन थे। तो दो भाई थे और दो बहन थी हम। तो पापा ने हमारा एडमिशन मतलब ऐसा नहीं था कि वो हमें पढ़ाना नहीं चाहते थे अच्छे स्कूल में, वो पढ़ाना चाहते थे। लेकिन क्या होता है ना, एक किसान की इनकम एक नॉर्मल ही होती है, इतनी ही होती है कि वो अपना घर का गुजारा आराम से कर सके। इतनी इनकम नहीं थी उनकी कि वो हमें बहुत ही हाई फाई स्कूल में पढ़ा सके। तो उन्होंने लेकिन फिर भी हमें कोशिश की, हमें एक अच्छे स्कूल में डाला नर्सरी क्लास में पढ़ाने के लिए। लेकिन क्या था, कुछ टाइम बाद ही हमें वहाँ से निकाल लिया, 4 या 6 महीने बाद ही हमें वहाँ से निकाल लिया, क्योंकि उनकी इनकम इतनी नहीं थी कि वो 4 बच्चों का खर्चा पढ़ाई का उठा पाए। उसके बाद उन्होंने हमें गांव के स्कूल में ही वापस एडमिशन करा दिया। वहाँ पर गांव का स्कूल सरकारी स्कूल था, जहाँ पर मतलब हिंदी मीडियम की पढ़ाई होती थी, कोई ABCD नहीं, कोई 1-2 नहीं, कुछ भी नहीं होता था। मतलब ये लगा लीजिए आप, 6th-5th class तक मैं गांव में पढ़ी। गांव में मतलब पढ़ाई को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं मानी जाती थी कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं माना जाता था। कोई बात नहीं, 5th class तक जैसे तैसे गवर्नमेंट स्कूल से मैंने पढ़ाई कर ली। उसके बाद बात आई आगे पढ़ने की। गांव में 5th class के बाद मतलब 5वीं तक सरकारी स्कूल पढ़ने के बाद आगे कोई सुविधा नहीं थी स्कूल में पढ़ने की। अगर स्कूल आगे पढ़ना है तो इस गांव से बाहर जाना होगा, जिसके लिए पापा हमारे एग्री नहीं थे, क्योंकि उन्हें ये था कि लड़कियां गांव से बाहर नहीं जा सकती पढ़ने के लिए। तब मैंने, मेरी मम्मी ने क्या किया, मेरी मौसी जी थी जो मतलब एक दूसरे उसमें रहती थी कस्बे में, धोलाना नाम था उनके शहर का, तो कस्बा ही था वो भी, मतलब गांव नहीं था। वहाँ पर उनका मतलब उनके घर के पास में ही थोड़ी दूर पर ही एक स्कूल था। तब मौसी जी से मम्मी ने बात की, तो मौसी जी ने बोला कि इसका एडमिशन यहाँ करा दे। तो मैं 3 साल वहाँ पर रही मौसी जी के पास अपनी, 3 साल वहाँ रह के मैंने 6th, 7th और 8th class की वहाँ पर पढ़ाई की। तो जो पढ़ाई मैंने वहाँ पर की वो पढ़ाई भी गवर्नमेंट स्कूल ही था, और गवर्नमेंट स्कूल की उस टाइम की मैं बात करूँ तो पढ़ाई ना के बराबर ही थी। मतलब आजकल के नर्सरी क्लास के बच्चे उस टाइम के 8th class तक के बच्चों से बेटर कर लेते हैं। इस टाइप की पढ़ाई थी, मतलब 6th class में जाके हमने ABCD लिखना सीखा। आप समझ सकते हो 6th class में ABCD लिखना क्या होता है सीखना। उसके बाद जो क्लास में टीचर पढ़ाने के लिए आती थी, गवर्नमेंट स्कूलों में इतना ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी। गवर्नमेंट स्कूलों में जो टीचर्स स्कूल में पढ़ाने के लिए आती थी वो क्या करती थी, आकर बैठकर क्लास में सो जाती थी, स्वेटर बुनती रहती थी,
या फिर मूंगफली खाती रहती थी, टीचर्स आपस में बातें करती रहती थी धूप में बैठ के, विंटर्स है तो, और पढ़ाई की तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं था। 8th क्लास जैसे तैसे कंप्लीट किया, वापस गांव में आ गई। अब आगे फिर से पढ़ने की बात आई, आगे कैसे पढ़ा जाए। तब मैंने मतलब अपने भाई को बोला, जो मेरे बड़े वाले भाई थे उनको बोला कि मुझे आगे पढ़ना है, तो उन्होंने मेरा एडमिशन गांव से बाहर, जो कि मतलब गांव से रोड से बाहर था, मतलब शहर था थोड़ा सा दूर, तो वहां पर एडमिशन करा दिया। तो वहां पर जाने की कोई सुविधा ऐसी नहीं थी खास, 2 किलोमीटर तक पैदल जाना, उसके बाद बस से सफ़र करना, और फिर स्कूल जाना, और फिर इसी तरह से वापस आना, ये सब होता था डेली रूटीन। 2 किलोमीटर पैदल जाना और 2 किलोमीटर पैदल आना और बस से सफ़र करना, बहुत स्ट्रगल था। लेकिन मैंने जैसे तैसे 10th क्लास किया। आप समझ सकते हो, सिर्फ 4 लड़कियां हम लोग गांव से जाते थे उस टाइम पे, सिर्फ 4 लड़कियां पूरे गांव में से पढ़ने के लिए। लेकिन जहाँ लगन होती है, जहाँ चाह होती है, वहाँ राह निकल आती है। जैसे तैसे 10th कंप्लीट किया, 10th सेकंड डिवीज़न से पास किया, कोई बात नहीं। उसके बाद वापस आगे पढ़ने की फिर से वही बात आई, पापा ने मना कर दिया 10th के बाद कि अब आगे नहीं पढ़ना, घर में बैठो। कोई बात नहीं, मैंने फिर अपने भाई से बात की कि भैया मुझे आगे पढ़ना है। भाई ने बोला पापा ने मना कर दिया, मैं क्या करूं। फिर मेरी बुआ जी हैं, एक बड़ी वाली बुआ जी थी मेरी, उनके गांव में ही स्कूल था, उनकी बेटी भी मतलब मेरी ही क्लास में थी, वो भी 11th में ही आई थी। तो बुआ जी ने बोला कि कोई बात नहीं, इसका एडमिशन तू यहाँ पे करा दे और ये सिर्फ पेपर देने के लिए आ जाएगी, ऐसा कर ले। क्योंकि वो भी गवर्नमेंट ही स्कूल था जहाँ पे उन्होंने मेरा एडमिशन कराया था 11th क्लास में, तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए ही वहाँ पर गई थी। तो वो टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि 11th क्लास जब मैंने एडमिशन कराया था तो भाई ही मेरे मुझे लेकर जाते थे वहाँ पर, बुआ जी के यहाँ पर छोड़ने के लिए एग्ज़ाम के लिए, और वो ही मुझे एग्ज़ाम होने के बाद ले आते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, 11th के एग्ज़ाम जैसे तैसे क्लियर किए, जैसे तैसे एग्ज़ाम्स क्लियर किए। उसके बाद जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, वो भगवान ना करे किसी के साथ हो, मेरी मतलब लाइफ का वो पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। 11th जैसे ही उस टाइम पे जो होता था ना, सेशन जो शुरू होता था, नया सेशन जो शुरू होता था, जुलाई से स्टार्ट होता था, और 11th की जो एग्ज़ाम वगैरह होने के बाद रिजल्ट आया था, वो आया था मेरा मई एंड में। और उसके बाद जो नेक्स्ट 12th क्लास के लिए जो एडमिशन वगैरह होने थे, वो होने थे जुलाई से। तो इस बीच मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, इस 1 महीने में मतलब मेरा जो बड़े भाई थे, जो मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा टच में थे, तो उन्होंने उनका डेथ हो गई थी उनकी 28 जून को। आप समझ सकते हो मेरे लिए कितना बड़ा मुश्किल रहा होगा उस टाइम पे आगे पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाना। 28 जून को भाई भाई की डेथ, जो मुझे सपोर्ट करते थे, जिनको मैं कह देती थी कि भाई नहीं मुझे आगे पढ़ना है, मुझे जाना है, तो उनकी डेथ के बाद मैं बिल्कुल टूट गई थी, बिल्कुल बिखर गई थी। घर में किसी ने भी मुझे ध्यान नहीं दिया कि इसको आगे पढ़ना है या आगे जाना है। जैसे तैसे मतलब 11th तो कर ली थी, लेकिन अब आगे पढ़ने की बात आई तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। 1 साल ड्रॉप कर दी मैंने, 1 साल तक मतलब ना मैंने किसी ने से इस बारे में कहा कि मुझे आगे पढ़ना है, और ना किसी ने मुझसे पूछा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इस वीडियो के 2 पार्ट्स बनाऊंगी, और 1 पार्ट्स मैं आज शेयर कर देती हूँ, नेक्स्ट पार्ट मैं कल शेयर करूँगी, तो आप लोग जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।